ना ही आटा गूंथना ना ही बेलना, बिना किसी ओवन के आज हम घर में बिल्कुल मार्केट जैसा पिज्जा बनाएंगे, वो भी बिल्कुल 5 मिनट में। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा पिज्जा ये मैंने घर में 5 मिनट में बना के तैयार किया है। इसमें ना तो हमने आटे को गूंथा है ना ही बेला है, और बिना किसी ओवन पे तवे पे ये पिज्ज़ा बना के तैयार किया है। बिल्कुल सीक्रेट और आसान तरीके से ये पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए इसलिए मैदा लिया है। चुटकी भर चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड किया है, और 1 कटोरी फ्रेश दही, घर का जमा हुआ दही ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। देखिए, मैंने 2 चम्मच दही और ऐड किया है। आप पूरा 1 कटोरी दही ऐड करेंगे, घर का जमा हुआ फ्रेश दही, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाते हुए एक बिल्कुल सॉफ्ट सा क्रीमी सा बैटर बना के तैयार करना है। ध्यान रहे मैदे का एक भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें अच्छे से हाथ चलाते हुए बैटर तैयार करना है। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, इसी तरह से मैंने एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमाते हुए 2 से 3 मिनट में एक अच्छा सा बैटर तैयार किया है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल है ना सॉफ्ट सा क्रीमी सा बैटर, बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। इस तरह से हमें बैटर बना लेना है। दूसरी तरफ मैंने गैस पर रखा है एक पैन, आप कढ़ाई या तवा भी यूज कर सकते हैं। उसको मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के और अच्छे से इसे चिकना कर लिया है। अब हमने जो मैदे का बैटर बना के तैयार किया है, वो इसमें हमें इस तरह से पूरे पैन में फैला देना है। ध्यान रहे मोटा मोटा फैलाना है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट जैसा हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए पूरे पैन में हमें मोटी मोटी परत से इस बैटर को अच्छे से फैला देना है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। ध्यान रहे, एक बार फिर से बोल रही हूँ, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के और ढक्कन लगा के 3 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। देखिए, 3 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा एक साइड से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ऊपर से देखिए, जिस तरह से मार्केट वाले पिज़्ज़े में छेद होता है, वैसा बिल्कुल इसमें भी अपने आप हो गया है। देखिए, बन गया ना, एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हमने एक प्लेट लेके और पैन पे इस तरह से उल्टा रखे, और इस प्लेट में हमें इस पिज़्ज़ा को निकाल लेना है। इस पिज़्ज़ा रोटी को इस तरह से इसमें मैंने निकाल लिया है, और उसी देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है ना, एक साइड से ना तो जला है और ना ही कच्चा है। अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लगा कर अच्छे से दोबारा चिकना करके, और दूसरी तरफ से भी इस पिज़्ज़ा रोटी को पकने के लिए ढक्कन लगा के फिर हमें छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, फोर्क से इस तरह से छेद कर लेना है। अब गैस को मैंने, ध्यान रहे, बंद कर दिया एक बार, क्योंकि हम पिज़्ज़ा को सजाएंगे ऊपर से तो फिर रोटी नीचे से जल जाएगी, इसलिए गैस को बंद करके और जिस साइड से पकी हुई है उस पर हमें इस तरह से टोमेटो केचप लगा देना है। आप रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं। देखिए, सॉस लगाने के बाद में इसमें मैंने ऊपर से ढेर सारी चीज़ लगा दी है, और काली मिर्च पाउडर लगा दिया है, हल्का सा नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने बैटर में भी यूज किया है इसलिए कम किया है, और ये मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी है, गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज। इस तरह से इन सब्जियों से अच्छे से हमें पिज़्ज़ा को सजा देना है। गैस से इसलिए नीचे उतार के रखा है, क्योंकि अगर हम गैस पर रखेंगे तो ये नीचे से इतने टाइम में जल जाएगा। देखिए, इसी तरह से ऊपर से मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर लिए हैं, फिर ऊपर से हमें खूब सारी ढेर सारी चीज़ ऐड कर लेनी है। देखिए, ऊपर से मैंने और ऊपर से चीज़ ऐड की है। अगर आप इस तरह से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप भी बिना फेल हुए बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा घर पे बना के तैयार करेंगे,
और इतना टेस्टी और अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा कि आपके बच्चे तो डेली यही पिज़्ज़ा खाने की जिद करेंगे। और देखिए, ये मैंने मिक्सी में साबुत लाल मिर्च को मोटा मोटा इस तरह कूट के रेड चिली फ्लेक्स बना लिया है। ऊपर से ये चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को मोटा मोटा कूट के और चिली फ्लेक्स घर पे बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के और पैन को गैस पे रख के ढक्कन लगा के फिर हमें 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देना है। ध्यान रहे, फिर से एक बार कह रही हूँ, गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना है वरना नीचे से पिज्ज़ा रोटी जल जाएगी। देखिए, इसी तरह से 3 मिनट के लिए फिर से मैंने पका लिया है। अब 3 मिनट बाद देखिए हमारा पिज्ज़ा बन के है तैयार। वाह, कितना टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसा, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना ये टेस्टी और अच्छा पिज़्ज़ा बना है। जितना ये दिखने में अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में अच्छा है। बिल्कुल दोनों साइड से पक भी चुका है और अच्छे से बन के तैयार है। मैं नीचे से ही आपको दिखाती हूँ, अच्छे से ये पक चुका है अंदर से भी। देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा। और 5 मिनट में ना तो हमने आटा गूंथा है ना ही बेला है, बिल्कुल झटपट बिना किसी ओवन के कितना जल्दी बनके तैयार हुआ है मार्केट जैसा पिज़्ज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई करना, अपने घर में बच्चों को खिलाना, मेरी गारंटी है आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे रोज़ यही पिज़्ज़ा खाने की जिद करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, है ना बिल्कुल टेस्टी हमारा ये मार्केट जैसा पिज़्ज़ा। फिर मार्केट का पिज़्ज़ा भी इसके सामने फेल है, इतना टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, वो भी घर के सामान से। बाहर का कोई भी सामान हमने ऐसा यूज नहीं किया है जो घर में नहीं मिलता हो। देखिए कितना टेस्टी, दिखने में कितना बिल्कुल मार्केट का पिज़्ज़ा भी इसके सामने फेल हो, इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए, अगर आप बच्चे इस तरह से आप बना के खिलाएंगे तो रोज बच्चे ऐसा ही पिज्जा खाने की जिद करेंगे। देखिए, इसी तरह इसे आप आसानी से तवे पर भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। बस आपको बैटर बना लेना है झटपट और तवे पे इस तरह से पिज़्ज़ा बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए, नीचे से भी आपको दिखाती हूँ, अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और मैं आपको काट के और दिखाती हूँ। देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा और आसानी से कट जाएगा बिना किसी पिज़्ज़ा कटर के। मैं चाकू से आपको इसे काट के दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये कट जाता है। देखिए, इसी तरह से ये पिज़्ज़ा मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ तो सबको बहुत ही पसंद आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में भी सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए, है ना पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट जैसे स्लाइस में काट के घर में कितने आसान तरीके से कम सामान में झटपट कम समय में बना के तैयार किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नई वीडियो में, नई नई रेसिपी और नई नई वीडियो के साथ। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेके आया करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ये रेसिपी जरूर ट्राई करना।